लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। प्रदेश सरकार के निर्णय की खिलाफत करते हुए विश्व हिंदू परिषद जनवरी माह में मोर्चा खोलने वाला है। मध्य प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों में प्रदेश सरकारों की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से विहिप अपना विरोध जाहिर करेगा। विहिप की केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने CAA सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। परांडे ने कहा कि मुस्लिम देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए विहिप पूर्ण प्रयास करेगा। परांडे ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके राज्य सरकार हिंदू मंदिरों की जमीन को अधिग्रहित करके आवंटित कर रही है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं प्रदेश में मौलवी और पादरियों को सरकारी खजाने से दी जाने वाली पगार का भी विरोध किया जाएगा। JNU में हाल ही में हुई घटना में ABVP छात्रों के शामिल होने की बात पर सफाई देते हुए परांडे ने कहा कि कुछ लोगों ने JNU के सर्वर रूम पर हमला किया था ताकि छात्रों की परीक्षा ना हो सके और वहां नए एडमिशन्स ना हो सके। बाहर के तत्व यूनिवर्सिटी में आकर हिंसा कर रहे हैं, इसे रोकने के लिए ABVP के छात्र वहां गए होंगे। यदि किसी दल को प्रदर्शन करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए, विद्यार्थियों को भड़काना अच्छी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तीन मुद्दे मुख्य है। एक तो CAA के बारे में जो अपप्रचार सब जगह चल रहा है, वहां पर ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मुस्लिम विरोधी ऐसा अपप्रचार चल रहा है। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामिक देश होने के कारण से वहाँ पर मुसलमान यह अल्पसंख्यक नहीं है, वहाँ का हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ही जो है वो अल्पसंख्यक है। उसी के ऊपर धार्मिक अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि चार दिन पहले नानकाना साहेब में पाकिस्तान में मुस्लिम मॉब ने गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया, वहाँ के जो ग्रंथी है उनके बेटी का अपहरण हो गया। तो ये आए दिन अत्याचार की घटनाएँ हो रही है। उसे परेशान होकर जो आए हैं भारत में शरण लेने के लिए, उनको केवल नागरिकता देने का विषय CAA कर रहा है। एक हिंदू संगठन होने के नाते ये जो शरण आए हुए हिंदू हैं सारे, इनको नागरिकता मिले, इसलिए विश्व हिंदू परिषद पूर्ण प्रयास करेगा और जो अपप्रचार हो रहा है उसके लिए जागरण करेगा कि अपप्रचार गलत है। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।